आप बहुत लोगों ने कमेंट्स में पूछा था कि DAC का मेरा ओवरव्यू क्या है, मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये वीडियो उसी पे, ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा इसको, शॉर्ट में बता देता हूँ। पहली बात तो कि DAC डेटा साइंस इंजीनियरिंग जो है आईसर भोपाल में, वो हर किसी के लिए नहीं है। यहाँ आने के बाद इरिस्पेक्टिव वेदर यू आर फ्रॉम इकोनॉमिक साइंसेज, नेचुरल साइंसेज या इंजीनियरिंग साइंसेज, आप इसमें मेजर कर सकते हो, प्रोवाइडेड आप सीट कैपिंग के अंदर आ रहे हो। सीट कैपिंग क्या है, ये लेट से पूरे बैच में इंक्लूडिंग द 3 स्ट्रीम्स नेचुरल इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स 60 लोग की बैच कैपिंग है। तो जो लोग डेटा साइंस के लिए अप्लाई करेंगे, मान लो 70 लोगों ने अप्लाई किया, तो उसमें से टॉप 60 को वो डेटा साइंस में मेजर करने देंगे। तो पहली बात तो ये कि हर किसी के लिए नहीं है। दूसरी बात तो कि डेटा साइंस इंजीनियरिंग आईसर भोपाल की जो फीस स्ट्रक्चर होती है, दैट इज़ सिमिलर टू इंजीनियरिंग साइंसेज आईसर भोपाल, विच इज़ रिलेटिवली लेसर देन द अदर IITs, NITs, एंड फैसिलिटीज़ आपको सारी वही मिल जाती हैं, कोई कमी नहीं है। हॉस्टल की हो, कंप्यूटिंग की हो, सिटिंग स्पेस की हो, लाइब्रेरी वगैरह, लैब्स वगैरह, सब वही मिलता है। टीचिंग क्वालिटी की बात करें तो टीचिंग क्वालिटी इज़ ग्रेट। कहीं भी लाइक आईसर भोपाल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इम्पोर्टेंस है, तो उसमें कोई कमी नहीं होती। टीचर्स आपको, जो भी प्रोफेसर होंगे, दिल ट्राई टू मोटिवेट यू, दिल ट्राई टू पुश यू, तो उसमें आईसर भोपाल इज़ नो वेयर लेस। आईसर भोपाल का खास कर ये वाला डिपार्टमेंट इज़ नो वेयर लेस इज़ कम्पेयर टू द पैरेलल IITs एंड NITs। फिर बात आती है कि यहाँ आके करते क्या है लोग। सो देर आर टू फैक्टर्स टू एन इंजीनियरिंग डिग्री, आइदर यू गो फॉर रिसर्च और गो फॉर जॉब। सो इफ़ यू समवन हु वांट्स टू गो फॉर रिसर्च, तो इसमें बता दूँ कि यहाँ की फैकल्टी जिन जिन एरिया में रिसर्च कर रही है, उसमें तो आप चाहो तो सेकेंड ईयर से उनके साथ रिसर्च करना स्टार्ट कर सकते हो। दैट इज़ जब आपने मेजर लिया भी नहीं हो। दे रिकमेंड मटीरियल टू यू एंड दिल सी इफ़ यू आर फिट टू कॉन्ट्रीब्यूट टू सम रिसर्च। देन थर्ड ईयर तक आते आते तक मैं ऐसे लोग को भी जानता हूँ, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में उन्होंने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किए हैं। सो रिसर्च के मामले में इट इज़ गुड, बट द कैवियट इज़ कि आप उस एरिया में रिसर्च कर रहे हो जिसकी फैकल्टी यहाँ पे है, लाइक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जियो स्पेटियल AI, रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में बहुत स्ट्रांग है आईसर भोपाल का मून लैब। सो ऐसे ऐसे एरियाज़ में आओगे तो यू विल हैव इमेंस सपोर्ट एंड इट विल रियली हेल्प टू प्रोपेल योर रिसर्च करियर नाउ। बट इसमें एक छोटा सा इफ़ ये आ जाता है कि अगर आप ऐसे एरिया में रिसर्च करना चाहते हो विच इज़ रिलेटेड टू डेटा साइंस, बट वो फैकल्टी के डोमेन या सब डोमेन में नहीं है, तो दिक्कत होती है। ठीक है, लाइक मुझे फाइनेंस में इंटरेस्ट था, तो अगर मैं फाइनेंस का जो फाइनेंस में NLP के या रिन्फोर्समेंट लर्निंग के इन सब के एप्लीकेशन होते हैं, उनमें कुछ काम करूँ, तो देयर वॉज फैकल्टी टू हेल्प मी विद इट। बट उसमें भी वो उसी पार्ट में हेल्प कर पाते जिसमें कि उनकी खुद की एक्सपर्टीज़ है। और ये तो ऑब्वियस ही बात है कि लाइक जो बंदा जिस चीज़ में रिसर्च नहीं कर रहा है उसमें दे कैन नॉट हेल्प यू मच, दे स्टिल कैन गाइड यू। सो इसका जो भी फाइनेंस पार्ट होता था, मुझे कॉलेज में खुद से पढ़ना पड़ता था, या फिर मेरे जो IIT वाले IIM तो मेरे सीनियर्स हैं उनसे बात करनी पड़ती थी, तो वो एक कैवियट है। सेकेंड थिंग है कि इसमें जो दूसरी चीज़ है कि प्लेसमेंट यार देखो, आईसर भोपाल का उतना बढ़िया नहीं है जितना पैरेलल IITs एंड NITs का होता है। एंड कुछ कुछ रीजनल कॉलेजेस या कुछ कुछ जो एस्टैब्लिश प्राइवेट कॉलेजेस होते हैं, उनका भी हमसे बेटर है। एंड दिस इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, इट इज़ व्हाट इट इज़। अब इसके मल्टीपल रीजंस हैं, एक तो कि बैच साइज स्मॉल होता है, एंड सेकेंड कि आईसर्स आर नोन फॉर रिसर्च एंड अकेडमिया, तो कंपनीज़ का भी एक परसेप्शन ये रहता है कि यहाँ से रिक्रूट करेंगे तो बंदा ज्वाइन करेगा ऑफिस नहीं करेगा, इसलिए कंपनीज़ भी थोड़ा शाय अवे करती हैं कैंपस प्लेसमेंट कराने से आईसर में। एंड भी बहुत सारे रीजंस होते हैं, ज़्यादा डीप में मैं नहीं जाऊँगा, बट या प्लेसमेंट्स आर नॉट दैट गुड। सो इफ समवन्स थिंकिंग कि मैं आईसर जाऊँगा जस्ट बिकॉज आई कैन हैव अ ग्रेट जॉब इन AI या मशीन लर्निंग, तो वो होता है, बट इट्स नॉट एज गारंटीड एज अदर कॉलेजेस हु हैव एस्टैब्लिश देमसेल्फ इन द इंडस्ट्री। ऐसा नहीं कि आईसर एस्टैब्लिश नहीं कर रहे हैं, गूगल समर ऑफ कोड में लोग जाते हैं, विच इज़ वेरी कॉम्पिटेटिव। सो ओवरऑल यही था, और अगर इसके अलावा कुछ छूट गया हो तो बता देना। हाँ,
एक चीज़ ये थी कि ऐसे मेंशन स्मॉल बैच साइज होता है, तो उसका एक फ़ायदा ये होता है कि जो भी वन ऑन वन इंटरेक्शन होते हैं फैकल्टीज से, या फिर जो भी डिपार्टमेंट टू स्टूडेंट्स का इंटरेक्शन होता है, उसमें सबको इनफ स्पेस इनफ रूम मिलता है अपनी बात आगे रखने का, और सबको सभी बातों पर ध्यान दिया जाता है। खासकर तो देन HOD थे जब मैं था डिपार्टमेंट में, जो तब के HOD थे वो तो खासकर एफर्ट लगाते थे इस बात में कि हर एक बंदे की बात वो सुन सकें, हर एक बंदे की प्रॉब्लम वो सॉल्व कर सकें। तो स्मॉल बैच साइज़ का ये फ़ायदा होता है कि लाइक कम्युनिकेशन इंटरेक्शन ये सब बहुत अच्छे से होता है। इसके अलावा हाँ, मेरा फाइनल रिकमेंडेशन अगर आप चाहो या बॉदर करो कमेंट में डालने, अभी भैया आपके रिकमेंड करोगे तो सिंपल है कि अगर आपके पास पैसा क्रंच है तो आप आ जाओ आई सर, ठीक है, डेटा साइंस में मेजर कर लो और मेहनत करके जॉब ले लो। खुद से मेहनत करनी पड़ेगी, ऑफ कैंपस के लिए ट्राई करना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, ठीक है। अगर पैसों का क्रंच नहीं है, अगर ये बात ही नहीं कि हाँ नहीं भैया कोई दिक्कत नहीं, कितनी कितनी भी डिग्री आ जाए कोई दिक्कत नहीं, इंडिया से हो जाए बैचलर्स बस चलेगा, तो फिर देख लो आपको करना क्या है लाइफ में, कि आपको रिसर्च करना है या आपको जॉब जाना है। रिसर्च करना है तो आ जाओ, बहुत बढ़िया है। जॉब जाना है तो फिर वही बता दूँ कि खुद से मेहनत करनी पड़ेगी बहुत ज़्यादा, आप ऐसा टोटली डिपेंडेंट नहीं रह सकते कैंपस प्लेसमेंट पे। एंड जो मैंने फर्स्ट कैटेगरी के लोगों को बोला कि अगर पैसों की कमी है तो फिर आ जाओ भाई सर, तो ये भी आप देख के आना कि लाइक आपको अगर वो गैम्बल चलेगा, यू आर कम्फर्टेबल विद द गैम्बल कि मैं एक एजुकेशन लोन ले लूँ या फिर मैं कहीं से पैसे अरेंज कर लूँ और फिर जब मैं कमाने लग जाऊँगा तब वो पे बैक कर दूँगा, तो फिर श्योर यू कैन गो टू एनी कॉलेज, अगर प्लेसमेंट ही आपका एम है तो। और अदर देन अगर रिसर्च करना है तब तो हैंड्स डाउन कोई दिक्कत नहीं है, खासकर उन एरियाज़ में जिसमें फैकल्टीज एक्टिवली पब्लिश कर रहे हैं। तो यस, इट्स गोइंग टू बी अ लिटिल चैलेंजिंग, इट्स गोइंग टू बी टफ, रिसर्च इजी नहीं होती एंड, बट हाँ उसके लिए सफिशेंट रिसोर्सेज हैं डेटा साइंस डिपार्टमेंट आई से भोपाल में। सो इन अ नटशेल दैट वॉज माई ओवरव्यू, गुड लक।